BSNL पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जियो के दाम बढ़ाने के बाद लोग उसका बॉयकॉट कर रहे हैं और अपनी सिम को BSNL में पोर्ट करा रहे हैं। 24 साल पहले सरकार ने दूरसंचार क्रांति को बढ़ावा देने के मकसद से BSNL की स्थापना की थी। अब जब BSNL खबरों में है तो विभिन्न दलों के राजनीतिक समर्थक उसके फायदे और नुकसान को लेकर अपने अपने हिस्से के दावे कर रहे हैं। इसी तरह का एक दावा सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कहा जा रहा है कि साल 2013 में BSNL मुनाफे में थी, जबकि 10 साल बाद वो घाटे में आ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेशनल यूथ कांग्रेस की प्रवक्ता रोशनी जायसवाल ने लिखा, 2013 में BSNL का मुनाफा 10,183 करोड़ था और 2023 में घाटा 13,356 करोड़ हो गया। मित्रों, आखिर किसने बर्बाद किया BSNL को? इसी तरह के पोस्ट कई अन्य यूजर्स ने भी किए हैं, जिन्होंने 2013 में BSNL के फायदे में होने का दावा किया है। मकसद ये संकेत देना है कि BSNL कांग्रेस सरकार के समय मुनाफा कमा रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कंपनी लगातार घाटा झेलती रही है। इसकी सच्चाई एक सिंपल गूगल सर्च में पता की जा सकती है। हमने भी वही किया। साल 2014 में छपी हुई मीडिया रिपोर्ट में एकदम स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि BSNL को वित्तीय वर्ष 2013 से 14 में कुल 7,085 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इसके पहले वाले वित्त वर्ष 2012 से 13 में कंपनी को 7,884 करोड़ का और उसके भी पहले यानी 2011 से 12 में 8,851 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा तत्कालीन दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के राज्यसभा में दिए गए एक बयान के हवाले में छपा था। हमें यह आंकड़ा राज्यसभा की वेबसाइट पर भी मिला, जहां रविशंकर प्रसाद ने BSNL के विस्तार, सुधार और नफा नुकसान को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। जहां तक बात BSNL है साल 2023 में फायदे की, तो ये भी दावा गलत है। बिजनेस स्टैंडर्ड की 24 जुलाई 2024 को छपी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में BSNL का नुकसान घटकर 5,371 करोड़ रुपए हो गया है। ये जानकारी दूरसंचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने लोकसभा में दी है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में BSNL का घाटा 8,161 करोड़ रुपए था। ऐसा नहीं है कि BSNL हर वक्त नुकसान में रही। साल 2004 से 5 के वित्त वर्ष में BSNL ने 10,183 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। उस साल देश की सत्ता में भी बदलाव हुआ था। आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने नेतृत्व वाली BJP को हार का सामना करना पड़ा था। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले UPA ने सत्ता संभाली और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन उससे पहले ही BSNL कामयाबी की ऊंचाइयां छू रही थी। लेकिन फिर BSNL को टक्कर देने के लिए दो प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आ गए थे। एक कंपनी थी भारतीय एयरटेल और दूसरी थी रिलायंस इंडिया मोबाइल। इसके बाद BSNL की मार्केट हिस्सेदारी में गिरावट शुरू हुई। मार्केट शेयर गिरा तो कंपनी की कमाई भी गिरी। इंडिपेंडेंट संस्थान PRS की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2009 से 10 से BSNL घाटे में जाना शुरू हुई। साल 2009 से 10 के वित्तीय वर्ष में 5,074 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाली कंपनी अगले ही वित्तीय वर्ष यानी 2010 से 11 में 1,800 करोड़ के नुकसान में चली गई। सरकार ने BSNL की खस्ता हालत में सुधार के लिए लगातार राहत पैकेज दिए हैं। साल 2019 से लेकर 2023 तक BSNL को कुल 3,22,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया है। अब BSNL की बैलेंस शीट में फिर से फायदा कब से लिखा जाएगा? बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का विश्वास उस पर दोबारा फिर से कब कायम होगा, ये भविष्य बताएगा। कुल मिलाकर BSNL के साल 2013 में 10,186 करोड़ रुपए के मुनाफे और 2023 में 13,356 करोड़ के घाटे में होने का धावा भ्रामक है।